हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास सेकंड की जो इंग्लिश की रेन ड्रॉप्स बुक है उससे चैप्टर नंबर 3 माय फैमिली चैप्टर डिस्कस करेंगे। माय फैमिली मींस मेरा परिवार। देखते हैं अब हम इस चैप्टर में परिवार को देखेंगे, उस परिवार में कौन क्या क्या काम करता है देखते हैं अब हम। आई एम मोहित, आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, आई एम इन क्लास सेकंड, आई लिव विद माय पेरेंट्स। मैं मोहित हूँ, देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे हैं आप मोहित। मैं 7 साल का हूँ, मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। पेरेंट्स में माता पिता है जो उसके मदर फादर हैं। आई हैव अ सिस्टर टू, मेरी एक बहन भी है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। हर नेम इज़ सुगुना, उसका नाम जो है सुगुना है। शी इज़ 6 ईयर्स ओल्ड, वो 6 साल की है। शी इज़ इन क्लास फर्स्ट, वो फर्स्ट क्लास में है। वी गो टू स्कूल टुगेदर, हम जो है स्कूल साथ में जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मोहित है वो सेकंड क्लास में है और जो सुगुना है वो है फर्स्ट क्लास में। तो ये जो है सुगुना जो है मोहित से 1 साल छोटी है। अब हम इनके मदर फादर के बारे में बात करेंगे, सुगुना और मोहित के मदर फादर क्या करते हैं। पहले हम फादर के बारे में देखते हैं। माई फादर इज़ अ फार्मर, ही वर्क्स ऑन द फार्म, ही ग्रोज राइस एंड वेजिटेबल्स, ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब यहाँ पे देख पा रहे इसके फादर जो है फार्मर है, मतलब कि जो मैं माई फादर इज़ अ फार्मर, मतलब मेरे फादर जो है खेती करते हैं, फार्मर है। और बहुत ज़्यादा वो जो है वर्क्स मीन काम करना, यहाँ पे वर्क्स वर्ड आया है मीन्स काम करना, वो काम मतलब करते हैं फार्म में, मतलब खेत में जो है ये दिखा रखी है पिक्चर आपको यहाँ पे, इसमें जो है ये काम करते हैं, इसके फादर ये रहे। ही ग्रोज मीन्स उगाना, मीन्स ग्रो करना, मतलब उगाना किसी चीज़ को। ही ग्रोज राइस एंड वेजिटेबल्स, वो जो है उगाते हैं खेत में सब्जियां और वो चावल जो होते हैं, राइस होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां होती हैं। सब्जियां जैसे वेजिटेबल्स लाइक हो गई गोभी, हो गई भिंडी, हो गई ऐसी सब्जियां जो है वो उगाते हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा वो जो है मेहनत करते हैं। वेरी हार्ड मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो हमने उसके फादर के बारे में देख लिया मोहित और सुगुना के, और मोहित और सुगुना के बारे में हमने देख लिया। अब उसकी मदर के बारे में देख लिया, वो क्या करते हैं वो देखते हैं। ये देखिए इसकी मदर जो है दिखाई गई है यहाँ पिक्चर में। माई मदर इज़ अ टीचर, मेरी जो मदर है वो जो है टीचर है। देखिए यहाँ पे टीचर है, ये बच्चों को पढ़ा रही है। शी टीचिज स्मॉल चिल्ड्रन, टीचिज मीन्स पढ़ाना, किसी को पढ़ाना, मतलब ये जो है पढ़ाती हैं छोटे बच्चों को। स्मॉल चिल्ड्रन मीन्स छोटे बच्चों को जो है ये पढ़ाती हैं, इसकी मदर ये रही। हमने उसके मदर के बारे में देख लिया। तो अब हम उसके घर के बारे में देखते हैं। आर हाउस इज नीट एंड क्लीन, हमारा जो घर है बिल्कुल साफ़ सुथरा है। देखिए आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये खेल रहे हैं। माई फादर हेल्प्स माई मदर, मैं जो हेल्प्स मीन्स मदद करना, मेरी जो फादर है मेरी मदर की जो है मदद करते हैं, मेरी मदर की माँ की जो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। दे कुक गुड फूड फॉर अस, कुक मीन्स खाना पकाना, जो हमारे लिए जो है अच्छा खाना पकाते हैं, मतलब खाना बनाना अच्छा। फूड फॉर अस मतलब वो अच्छा खाना बनाते हैं, मतलब ये दे मीन्स यहाँ पे दे आया मीन्स उसके मदर एंड फादर। आफ्टर वी डू आवर वर्क, हमारा जब हमारा होमवर्क जब हमारा स्कूल का जो है ख़त्म हो जाता है काम, जो हम उनको जो है स्कूल में मिलता है जो वर्क, वो ख़त्म होने के बाद, वी मीन्स जो मोहित है और सुगुना है ब्रदर और सिस्टर, डू मीन्स करना मतलब काम ख़त्म होने के बाद। सुगुना एंड आई प्ले आउटसाइड द हाउस, और सुगुना और मैं जो है प्ले मीन्स खेलना, खेलते हैं घर से बाहर जाके, बाहर जो जाके घर से खेलते हैं। आर पेरेंट्स वॉच अस प्ले, जो हमारे पेरेंट्स हैं मेरे मदर फादर हैं वो हमारा जो है खेल जो है देखते हैं। देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे हैं खेलते हुए दिखाए गए हैं। तो हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कर ली है कंप्लीट, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आंसर दिस क्वेश्चन, हमसे पूछा गया आंसर दीजिए इन क्वेश्चन का। हाउ ओल्ड इज़ मोहित, मोहित कितने साल का है। अगर आपने सोचा है, देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिया हुआ है मोहित, अगर आपने सोचा 7 तो आप सही हैं। देखिए ये रहा 7, आप सारे क्वेश्चन जो है चैप्टर में से ढूंढ सकते हैं। 7 ईयर ओल्ड मोहित जो है 7 साल का है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोहित इज 7 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे मोहित इज 7, उसमें से आप स्पेलिंग देख के लिख लीजिए, वाई ई ए आर एस ईयर्स ओ एल डी ओल्ड, 4 ईयर्स ओल्ड, तो 7 साल के हैं। हु इज सुगुना,
सुगुना जो है कौन है, हमने देखा था उसकी वो सिस्टर है वो मोहित की। सुगुना इज, आप एज इट इज सुगुना पहले लिख देंगे फिर इज मोहित सिस्टर, मोहित सिस्टर आप ऐसे लिख देंगे, मोहित सिस्टर आप जो है SISTER सिस्टर जो आप लिख देंगे मोहित सिस्टर। हाउ ओल्ड इज सुगुना, सुगुना कितने साल की है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शी इज 6 years old जो है वो 6 साल की है, तो आप लिख देंगे सुगुना इज 6 years old SIS 6 years old एज इट इज लिख देंगे जैसे हमने पहले लिखा था। इससे जो है अच्छे तरह से लिखा नहीं जा रहा है तो आप जो है अच्छे तरह से नोटबुक में अपनी लिख लीजिए 6 years old। इन विच क्लासेस डू द चिल्ड्रन स्टडी, मतलब जो सुगुना और मोहित है कौन सी क्लास में करते हैं। सुगुना इज जो है आप लिख दिए सुगुना इज स्टडिंग इन फर्स्ट क्लास, और जो है मोहित है मोहित इज स्टडिंग इन स्टडी STU study वाई स्टडी लिखा हुआ है ING और लिख दीजिए आप IN और G स्टडी इन। सुगुना जो है कौन सी क्लास में पढ़ते हैं फर्स्ट में, मोहित सेकंड में, तो आप ये लिख दीजिए इसमें आंसर है ये। व्हाट डज मोहित्स मदर फादर डू, मोहित के फादर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मोहित फादर इज़ अ फार्मर, वो क्या है फार्मर है खेती करते हैं, तो आप लिख देंगे यहाँ पे एज इट इज़ जो आप लिख देंगे व्हाट डज मोहित फादर वॉज इज़ आप लिख देंगे फार्म इज अ फार्मर, मोहित फादर इज़ अ फार्मर। व्हाट डज मोहित फादर ग्रो, ओ मोहित के जो फादर है क्या उगाते हैं, फार्मर है खेती करते हैं तो क्या उगाते हैं खेत में, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए ही ग्रोज राइस एंड वेजिटेबल्स, क्या करते हैं वो उगाते हैं राइस और वेजिटेबल्स को, देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिए मोहित फादर ग्रो राइस एंड वेजिटेबल्स, मोहित फादर ग्रो राइस एंड वेजिटेबल्स सीधा आप जो है लिख दीजिए RICE राइस VEGETABLES वेजिटेबल्स। व्हाट इज सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन मींस लास्ट क्वेश्चन 7th व्हाट इज मोहित्स मदर, मोहित्स मदर मोहित की मदर जो है क्या है, क्या काम करती हैं वो, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शी टीचिज अ स्मॉल चिल्ड्रन, जो है वो पढ़ाती हैं छोटे बच्चों को, तो मोहित्स मदर टीचिज स्मॉल चिल्ड्रन आप ऐसे लिख दीजिए। तो हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हमें क्या करना है फ्रॉम वर्ड्स, देखिए हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन, सब हम आते हैं लेट्स ट्राई दिस, इसे भी जो है आप ट्राई कीजिए फ्रॉम वर्ड्स। अब देखते हैं अब हम इनमें क्या बताना हमें फ्रॉम वर्ड्स विद द सेट्स ऑफ लेटर गिवन इन द बॉक्सेस बिलो, देखिए हमें इनमें क्या करना है, हमें ये पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, देखिए ये पिक्चर दी हुई है यहाँ पे अनजम्बल वर्ड्स हैं, ये यहाँ पे अनजम्बल वर्ड्स मीन्स यहाँ पे जो है हमें सेंटेंस उलट पुलट के दिए गए हैं, मतलब स्पेलिंग हमें गलत दी हुई है, हमें सही लिखनी है स्पेलिंग इनकी, तो हम देखते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये हमें पिक्चर दी हुई है, हमें हिंट दिया हुआ है, इस पिक्चर को देख के आप पता लगाइए कि किस चीज़ की है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर, यहाँ पे CREI, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या वर्ड बन जाएगा सही, अगर आपने सोचा है तो राइस, तो आप सही हैं, यहाँ पे बन जाएगा RICE आप लिख दीजिए यहाँ पे राइस, ये आप लिख दीजिए। तो हम अब सेकंड में आते हैं, यहाँ पे पिक्चर दी हुई आप इससे हिंट करके सोच के इसको देख के फिर यहाँ पे बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है HOSEU, तो आप अगर आपने सोचा है हाउस तो आप सही हैं, यहाँ पे लिख दीजिए आप HOUSE हाउस, यहाँ पे आ जाएगा हाउस। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, देखिए यहाँ पे पिक्चर दी हुई है फिर से, हमें आप यहाँ पे जो है लिखना है RFAM, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है RFAM या फिर कुछ RAFM कुछ कह लीजिए आप, तो हमें इसको सही करना है, यहाँ पे आ जाएगा FARM, यहाँ पे आ जाएगा फार्म। अभी हमें यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, यहाँ से हमें इसको लिखना है OOFD या फिर OFOD आप कुछ कह लीजिए, तो इसमें आ जाएगा आपने फूड सोचा है तो आप सही हैं FOOD यहाँ पे आ जाएगा फूड। अब हम आते हैं, हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं आगे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ये जो हमें जो है
ये बॉक्स में जो है वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से हमें जो है इन सारों में जो है पांच हैं, इनमें हमें छाट के लिखने हैं कौन सा आएगा इसमें। मोहित फादर इज अ, मोहित के फादर क्या है, यहाँ पे डैश देगा हमें तो आ जाएगा ये। यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए चाहे तो आप फार्मर, और नहीं आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे बाद में लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए आप वन, यहाँ पे जो है फिर आप वन में लिख दीजिएगा फार्मर। अब क्या आएगा, तो हमने देख लिया फर्स्ट में जो है फार्मर आया है। तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, सुगुना, सुगुना इज मोहित, क्या है सुगुना मोहित की, अगर आपने सोचा है सिस्टर तो आप राइट है, वही आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें भी यहाँ पे लिख दीजिएगा चाहे सिस्टर, यहाँ पे बाद में लिख लीजिएगा वर्ड, ना यहाँ पे लिख दीजिए आप सेकेंड इस पे सिस्टर के साइड में। नेक्स्ट पे आते हैं, द हाउस इज नीट एंड, उनका घर कैसा है एंड, क्या आप सोचा है क्लीन तो आप सही हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप थर्ड, या नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्लीन। फोर्थ, मोहित मदर इज़ा, मोहित की मदर क्या है, यहाँ पे डैश दिया गया है, वो है टीचर, आप सही सोचा, अगर आपने ऐसे सोचा है तो मोहित की मदर है टीचर, यहाँ पे आप फोर लिख दीजिए, यानी तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। आफ्टर डूइंग देयर डैश मोहित एंड सुगुना गो टू प्ले, क्या करने के बाद वो जाते हैं, कहाँ जाते खेलने, क्या करने के बाद जाते हैं, अगर आपने सोचा है होमवर्क तो आप सही हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा होमवर्क, नहीं अच्छा आप यहाँ पे लिख लीजिए फाइव, नंबर फाइव डाल लीजिए, और नहीं आप यहाँ पे लिख दीजिए होमवर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमने देख लिया, हमें इससे इसमें यही पूछा था कि उसके मदर फादर सुगुना कौन है, उसका घर कैसा है, वो काम करने के बाद कहाँ जाते हैं, हमने ये पूछा था, हमने दे दिया इसके आंसर। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, When you heard the word food, जब आप सुनते हो food के बारे में, food होता है means खाना, खाने के बारे में, What are the things that come to your mind, आपके मन में, mind means दिमाग में, आपके मन में क्या चीज़ें आती हैं, Write them down in circles, इन circles में जो ये दिए गए हैं इनमें आप ये सब लिखिए, One has been done for you, और आपके लिए जो है एक चीज़ एक करके दिया गया है, तो आपके जो मन में आता है वो लिख दीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक तो ये दिया हुआ है राइस, यहाँ पे आप पानी दिख रहा है तो आप वाटर लिख लीजिए, यहाँ पे वाटर आ जाएगा WATER वाटर, और यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है देखिए आप वाटर, और भी सैलेड भी दिया हुआ है, ये जो है पूरी हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आप इनको अपने हिसाब से जो है लिख सकते हैं इनको आप। नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम ये मैं आपको कराता हूँ, चूज द करेक्ट वर्ड टू कम्प्लीट द सेंटेंस, इनमें से जो है ये जो सारे दिए गए हैं इनमें से जो है सही जो वर्ड है इन दोनों में से, ये जो दिए गए हैं दोनों हर एक में, उनमें से जो है सही वर्ड चुनिए। आई डैश पिंटू, आई एम आएगा या फिर आर आएगा, अगर आपने सोचा है एम तो आप सही हैं, आई एम पिंटू, आई आर नहीं होता, आई एम, आप इस पे टिक कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में यहाँ पे लिख लीजिएगा फिर। नेक्स्ट, आई डैश आ ब्रदर, यहाँ पे आ जाएगा, अगर आपने सोचा हैव तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैव, I have a brother. अब next, we dash sisters. तो यहाँ पे आ जाएगा R. तो आप इस पे टिक करके sisters लिख दीजिएगा. We are sisters. ऐसे आप लिख दीजिएगा. Sonam dash in Assam. Sonam leave आएगा फिर leaves आएगा. अगर आपने सोचा है leaves, तो आप सही हैं. तो इसमें आ जाएगा leaves, ये वाला आ जाएगा. Sonam leaves in Assam. Riya डैश टू स्कूल, रिया आपने सोचा है तो गोज, तो आप सही हैं, यहाँ पे आ जाएगा गोज, रिया गोज टू स्कूल। वी डैश प्ले, एक मिनट रुकिए, वी डैश प्ले या फिर प्लेज क्या आएगा इन द इवनिंग, वी प्लेज इन द इवनिंग, प्लेज आ जाएगा ये सेकंड वाला, पी एल ए वाई एस प्लेज जो आ जाएगा। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लिसन एंड रिपीट, इनको सुनिए और रिपीट कीजिए, मैं आपको बोलता हूँ आप घर पे बैठे रिपीट कर लिया कर लीजिएगा। शिप शिप, स्लिप स्लिप, ये जो है सेम वर्ड है, ये मतलब लिखने में अलग है लेकिन बोलने में ऐसे ही लगता है जैसे सेम है। फिट फिट, सीट सीट, बिट बीट, तो आई होप आपने बोला होगा अपने घर पे बैठे बैठे। तो हमने ये चैप्टर जो है अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको एक लाइक का ऑप्शन दिखेगा वो दबा दीजिएगा लाइक का, और आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा ऐसे सब्सक्राइब और रेड कलर का,
वो भी दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब दबाने के बाद आपको एक बेल दिखेगी, उसमें जो है फर्स्ट नंबर पे जो आएगी आपको वो दबा दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे वीडियोस के कि जो भी मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूँगा आपको हर रोज़ जो है मिलती रहेंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।